तो चलो, बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। और वैसे भी कल मैंने ऊपर वाले से ये अरदास की थी, ये मन्नत मांगी थी कि जब भी सीमा हैदर सलाखों के पीछे जाएगी और जिस दिन ये फैसला आ जाएगा, मैं अपने घर में पूजा रखूंगी और उस पूजा का लाइव टेलीकास्ट जो लगातार यूट्यूब पर, हमारी यूट्यूब की फैमिली है, जो मेरे हिंदुस्तान के भाई बहन जो लगातार इतने दिनों से सीमा को लेकर परेशान हैं और वीडियो बना रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ मैं उस लाइव टेलीकास्ट को साझा करूंगी। और मैंने ये रात में वीडियो बनाया और सुबह अपलोड किया था। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे अब बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि चलो ऊपर वाले ने मेरी क्या बोलूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, सुन लिया। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जो मोमिन मलिक साहब ने अभी कहा कि अगर आज तो डेट था, आज सीमा हैदर के तरफ से भी जो याचिका थी वो दी गई, पंडित जी भी आए हुए थे और एपी सिंह जी के दो जूनियर अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे, दो जूनियर उनके मौजूद थे, उनके तरफ से भी आज डेट पर वो लोग हाजिर हुए। और नेक्स्ट डेट पर अगर वो लोग जवाब का, जो जवाब इनसे मांगा गया है कोर्ट के द्वारा, मोमिन मलिक सर के द्वारा, वो अगर ये जवाब का सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो शायद गवाही पर चला जाए ये केस। और जब गवाही होगी तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होगा, गुलाम हैदर को बुलाया जाएगा, एविडेंस के आधार पर प्रक्रियाएं होंगी। और मोमिन मलिक साहब ने तो पूरा ही क्या बोलूँ, खुलासा कर ही दिया है। और बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम हिंदुस्तानी भाई बहन को और गुलाम हैदर आपको भी, कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे आप तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं रितिमा राज स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भाई, कैसे हो आप लोग, कमेंट करके जरूर 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 से बताइएगा, क्योंकि आज है खुशखबरी वाला दिन और हम छोटे छोटे खुशियों में भी खुश हो लेते हैं ना। और बहुत बड़ा धमाका तो शायद कुछ दिन बाद मिले, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। पहले आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो, अच्छे हो ना, और भगवान करे कि आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही दुआ होती है ऊपर वाले से। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भाई जो भी लोग दुनिया में, पूरी दुनिया की बात मैं करती हूँ, जो भी लोग पूरी दुनिया में हैं खुश रहें, किसी के पास कोई गम ना हो, दुख ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा जीवन है, हमारा जीवन जो है वो दो नाव पर चलता है, एक सुख एक दुख, तो दोनों का सामान्य उतार चढ़ाव होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। और मोमिन मलिक साहब ने लाइव आकर बहुत बड़ी अपडेट दी, हम लोगों के सामने रखा। सीमा हैदर का नेक्स्ट डेट पड़ा है और शाम को नेक्स्ट डेट, मैंने सुबह लाइव में बोला, अभी कुछ देर पहले मैं लाइव कर रही थी, मुझे मालूम था कि नेक्स्ट डेट पड़ ही जाएगा, तो नेक्स्ट डेट पड़ा और नेक्स्ट डेट पर हाजिर होने के लिए बोला गया है सभी लोगों को अपने अपने जवाब के साथ। और जब उस दिन बहुत बड़ा अपडेट होगा नेक्स्ट डेट पे, और हम जानते हैं ये थोड़ा सा मामला लंबा चल सकता है, क्योंकि गुलाम हैदर को कोर्ट तलब करेगा कि आप यहाँ आए। और जैसा कि सचिन मीना ने सीमा हैदर के साथ इन लीगल शादी की है, पंडित जी, पूरे बारातियों, एपी सिंह जी और सचिन मीना के घर वाले, सीमा हैदर, सभी पर मोमिन मलिक ने दोहरा वार कर दिया है। और दोहरा वार क्या है ये तो आप लोगों को पता ही था। कहते हैं ना कि हमारे देश का कानून ऐसे ही इतना लंबा नहीं है, इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हो सकती है लेकिन फैसला कभी भी गलत नहीं आ सकता। इंतज़ार करना पड़ सकता है लेकिन कभी भी कोर्ट गलत फैसला कभी भी नहीं लेता है, हमेशा हमारे साथ, सच के साथ खड़ा होता है। कहते हैं ना कि हम छोटी छोटी खुशियों में भी खुश होते हैं, और सचमुच मुझे तो आज बहुत ईश्वर की, मैं क्या बोलूँ, थैंक यू कह रही हूँ उनको, धन्यवाद दे रही हूँ कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। और जैसे ही कल मैंने प्रार्थना की थी, आज थोड़ा सा तो खुशी मुझे मिल ही गई, फैसला थोड़ा आया कि चलो भाई कोर्ट में मामला गया, क्योंकि पहले तो बहुत क्या बोलूँ ये हो रहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि जो भी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, अगर सिविल कोर्ट में मामला रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये प्रक्रियाएँ कोर्ट की हैं। लेकिन मोमिन मलिक साहब सचमुच आप ग्रेट हो, और लोगों की क्या बोलूँ आस आपसे जुड़ी हुई थी, लोगों का क्या बोलूँ जुड़ाव था आपसे, लोग लगातार अपनी अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश की जीत हुई है, जीत, बहुत मज़ा आ गया। चलो अच्छा लगा कि मामला कोर्ट में गया और अब गुलाम हैदर को बुलावा आ सकता है, बुलावा तो आया है। और गुलाम हैदर जल्द से जल्द आओ आप और अपने बच्चों बीवी को, भाई हम जानते हैं बच्चे डिपोर्ट होंगे और इसको तो, इस बहरूपिया को तो जेल होगा और बिल्कुल जेल होना चाहिए, ऐसे ही इसको छोड़ नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं छोड़ दिया जाएगा, अगर इसको डिपोर्ट कर दिया जाए तो फिर ये गुलाम हैदर को छोड़कर कहीं
और नैन मटक के करने लगेगी। खैर चलो आज खुशी का दिन है, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी ताकि ये वीडियो ना खराब हो जाए मेरा। और आइए हम सुनते हैं पहले कि मोमिन मलिक सर ने क्या कहा है। पहले इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, देखने के बाद अपने प्यारे प्यारे राय, अपने प्यारे प्यारे विचार, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आज है जीत का जश्न। मज़ा आ गया। मोमिन मलिक सर थैंक यू, थैंक यू। और परमार जी आपका भी, पराशर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रात में ही बोला कि हम कुछ बोलते नहीं करते। तो आइए सुनते हैं कि पहले मोमिन मलिक सर ने क्या खुशखबरी हम इंडियन भाई बहनों को दी है। भाई खुशखबरियाँ तो एक दूसरे से बांट कर ही थोड़ी दुगनी होती है ना खुशी। तो चलो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। क्या हुआ है आज फैमिली कोर्ट, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में क्या हुआ है, गुलाम हैदर के केस में आज क्या हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ। आ जाओ। आज तारीख थी 27/5/2024, जो कि गुलाम अहमद हैदर वर्सेस सीमा हैदर केस प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में आज थी। गुलाम हैदर केस की, जो गुलाम हैदर ने सीमा हैदर पर केस डाला था, सचिन मीना पर केस डाला था, डॉक्टर एपी सिंह पर केस डाला था और फेरे कराने वाले पंडित जी पर जो केस डाला था और अन्य बरातियों पर जो केस डाला था, उस केस की तारीख आज 27/5 थी, जिसमें माननीय न्यायालय फैमिली कोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी किया था 27/5 के लिए कि आप सभी आइए कोर्ट में, अपना कोर्ट में पेश होइए। तो इनको नोटिस भेजा गया था, तो बाकायदा नोटिस सीमा के पास भी पहुंचा है, नोटिस सचिन मीना के पास भी गया है, नोटिस एपी सिंह के पास भी गया है और नोटिस जो है वो पंडित जी के पास भी गया है। तो आज इनको कोर्ट में पेश होना था, तो कोर्ट में जो हमने इनको नोटिस दिया था उसकी हमने डिलीवरी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें पंडित जी कोर्ट में पेश हो गए हैं आज। और ये डॉक्टर एपी सिंह ने, वो खुद तो शायद इधर उधर बैठा था कहीं, खुद तो कोर्ट में नहीं आया, वो उसने अपने किसी दो जूनियर्स को भेजा था, तो वो आकर के कोर्ट में पेश हुए हैं। और एपी सिंह ने नोटिस ले लिया था, उसकी रिपोर्ट जो है ना वो आ गई है, डिलीवरी रिपोर्ट। और सचिन की और सीमा गुलाम हैदर की रिपोर्ट भी आ गई है, उनकी रिपोर्ट हमने कोर्ट में लगा दी है और वो अभी तक उसमें पेश नहीं हुए थे और एपी सिंह ने उसके अंदर कोई वकालतनामा नहीं दिया था। तो कोर्ट ने सीमा हैदर की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है, कोर्ट ने सचिन मीना की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है, कोर्ट ने पंडित जी की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर एपी सिंह की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है। और इनको पर्याप्त मानकर सफिशियंट सर्विस इसको माना गया है कि हाँ भाई जो हमने नोटिस भेजे गए थे उनकी सर्विस हो चुकी है, उनकी तामील हो चुकी है। तो अगली डेट पर इनको अपना अपना जवाब दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय ने आज इनको आदेश जारी किया है और शाम तक हमें डेट का पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे निकलना था और दूसरे केस में भी जाना था। आज दो तीन केस इनके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, एक फरीदाबाद में भी इनके ऊपर आज केस लगा हुआ है, जिस जो डॉक्टर एपी सिंह ने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया था, तो उस पर भी हमने ऑनरेबल कोर्ट ने SHO को नोटिस जारी किया था, DCP को, ACP को और कमिश्नर को कि बताइए आपने क्या किया, तो आज वो तारीख भी है। तो फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर से हमने अपनी हाजिरी लगा करके और कोर्ट को अटेंड किया, हमने कोर्ट को बताया कि देखिए जनाब ये हमने इनको नोटिस ऑनरेबल कोर्ट ने भेजा है और ये इसकी सर्विस है, ये इसकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमने सारी कोर्ट में जमा करा दी है और कोर्ट हमारी बात से मुतमइन थी, सेटिस्फाई थी और सचिन मीना की और सीमा गुलाम हैदर की और पंडित जी की और एपी सिंह की और तमाम बरातियों की सर्विस को जो है वो सफिशिएंट मान लिया है कोर्ट ने और इनको आदेश दिया है कि अगली तारीख पर अपना जवाबनामा दाखिल करें। और अगर अगली तारीख पर ये अपना जवाबनामा दाखिल नहीं करते हैं तो फिर गवाही की तारीख आ जाएगी और हमारी एक तरफा गवाही होगी, सारे सबूत हम कोर्ट में देंगे और उसके बाद इस पे फैसला ऑनरेबल कोर्ट से आएगा।
ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आज गुलाम हैदर की है कि आज गुलाम हैदर की जो कोशिश थी, जो अंसार बरनी ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने कोशिश की और भारत में हम भारतीयों को पुकारा, हम भारत के लोगों को पुकारा, भारत की सरकार को पुकारा, आदरणीय मोदी जी से हेल्प मांगी, आदरणीय योगी जी से हेल्प मांगी और बाकायदा भारत में एक वकील को अपॉइंट किया, जो कि मुझे अपॉइंट किया गया एक इंसानियत के नाते, मेरे से रिक्वेस्ट की और मैंने इस केस को इंसानियत समझकर फ्री ऑफ कॉस्ट करने का निर्णय किया। तो आज जो हमारी 3 महीने की मेहनत थी वो रंग ले आई है और आज ये कोर्ट में आकर के पेश हुए हैं और इन्होंने वकालतनामा, और जैसे ही ये केस, जैसे ही ये अपना जवाबनामा अगली तारीख पे दाखिल करते हैं तो ये केस गवाही पे आ जाएगा और गवाही इतने गुलाम हैदर भी आ जाएगा तो हम गुलाम हैदर की गवाही कराएंगे और उनकी तमाम जो सबूत वो लेके आएगा वो सबूत देंगे। तो ये जो शादी इन्होंने फर्जी शादी की है, ना केवल ये शादी को कोर्ट गलत करार देगी, तुम्हारा हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट ये आदेश भी दे दे कि सचिन मीना के साथ तुम नहीं रह सकते और तुम्हें गुलाम हैदर के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन गुलाम हैदर के साथ रहने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है और क्योंकि जब ये शादी जो इन्होंने फर्जी शादी की है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी तो उस शादी का कोई औचित्य नहीं रहेगा, फिर ना इसको भारत की नागरिकता पे ये मांग सकती है और ना ही भारत में ये शरण मांग सकती है जब इसको गुलाम हैदर की बीवी करार दे दिया जाएगा। तो ये इसको जेल होगी होगी और इसको डिपोर्ट यहाँ से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों की है, आपकी दुआओं की बरकत है, आपकी आपने जो मंदिरों में हमारे लिए अरदास की है, जो गुरुद्वारों में अरदास की है, जो मस्जिद में जाके दुआ की है और जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं उन्होंने जो दुआ की है, उनकी दुआएं आज रंग लेके आई है और ये कोर्ट में पेश होने को मजबूर हो गए और अगली तारीख पे ये अपना जवाबनामा, इन्होंने समय मांगा है कि हमें समय दिया जाए हमें ताकि जवाबनामा दाखिल कर सके, तो अब ये अगली डेट पे जवाबनामा दाखिल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है, ये कामयाबी का श्रेय ये मोमिन मलिक को नहीं जाता, मैं तो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। आज ये केस है कल को दूसरा केस आ जाएगा, मैं तो जब तक जीऊँगा वकील ही रहूँगा, तो ये तो मेरा प्रोफेशन है, एक केस इंसानियत के नाते भी जिंदगी में करके जाऊँ ऐसा है और बहुत से किए हैं तो ये भी करके जाऊँ। तो ये केस तो भारत की जनता का, जो भारत की जनता इंसानियत को चाहती है, जो भारत की जनता इंसानियत को मानती है, जो भारत के लोग इंसानियत को पूछते हैं, जो भारत के लोग जाति धर्म जाति पाति से रंग भेद से ऊपर उठकर, दुश्मनी से ऊपर उठकर और किसी मुल्क के नाम से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते जो गुलाम हैदर को उसके बच्चे दिलवाना चाहते हैं, हालांकि के पाकिस्तान मुल्क से हमारे देश का कभी भी आंकड़ा ठीक नहीं रहा, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, उसके बावजूद हमारे भारत के लोग एक इंसानियत के नाते इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुना, मोमिन मलिक जी जो कि हमारे भारत के महान अधिवक्ता हैं, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक रुपए अपना फी लिए गुलाम हैदर का केस अपने जिम्मे लिया और उस जिम्मेदारी को निभाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो इसमें तो हमको एक भी फ़ायदा नहीं है, क्या इस काम को करना, तो कभी कभी कहते हैं ना कि फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी खड़ा होना चाहिए, दूसरों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। जैसे कि मोमिन मलिक सर ने गुलाम हैदर भाई के लिए किया, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और भाई हम अगर वीडियो में कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो लोग कहेंगे मस्का लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उनका दिल बड़ा है और दिल से ज़्यादा उनकी इंसानियत बड़ी है, क्योंकि उन्होंने और हम सभी हिंदुस्तानी भाई बहनों ने कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं किया, हम मजहब पर नहीं गए, मजहब से उठकर आगे काम किया, देश से आगे जाकर अपने विचारों को रखा, अपने मत को रखा और देश से आगे जाकर, धर्म से आगे जाकर, मजहब से आगे जाकर इंसानियत को सबसे पहले हम लोगों ने देखा, तब जाकर ये मसला हल हो पाया। और बहुत बड़ी जीत, आपको शुभकामनाएं गुलाम हैदर भाई साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जीत हमारी जीत होगी, मोमिन मलिक की जीत हमारी जीत होगी। और गुलाम हैदर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अब जल्द आओगे पाकिस्तान से इंडिया, और इंसानियत के लिए हम लोग लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे जो कि जीत से कुछ कदम पीछे हैं, लेकिन कम से कम हम बढ़े तो, और उस बढ़ने के कारण मुकाम तक पहुंच गए, बस जीत हासिल बस 2 कदम,
ये वो दिन दूर नहीं जब गुलाम हैदर हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, अपने बच्चों के साथ होंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत गुड न्यूज आज मिली। आज दिन सोमवार, महादेव का दिन है, हर हर महादेव बोलिए सभी लोग, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि इंसानियत के लिए जो भी इंसान लड़ता है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है तो ऊपर वाला भी उसको मौका देता है और ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। और हम सभी गुलाम हैदर के बच्चों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उस लड़ाई में हम दो कदम पीछे हैं, पर अब जंग तो जारी है भाई, तो जीत तो मिलेगी ही। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम सभी को मानना होगा, और फैसला जो भी आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गुलाम हैदर भाई, जल्दी जल्दी आप पैकिंग कर लो, आप आने वाले हो पाकिस्तान से हिंदुस्तान, क्योंकि अब होने वाली है आपकी जीत। और भाई, हम अभी भी ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि आपके बच्चे आप तक पहुँच जाएँ, सही सलामत पहुँच जाएँ, लेकिन सीमा हैदर को जेल हो, क्योंकि अगर ये आपके पास जाती है तो ये फिर से आपको धोखा देगी, ये तो पक्की बात है। ये फिर से आपको बेवकूफ़ बनाएगी, धोखा देगी, रोएगी धोएगी, क्योंकि इसके आंसुओं पर ही कुछ लोग बिक जाते हैं। ये महिला है, रोती है तो लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि गुलाम हैदर, आप इस महिला पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। हाँ, बच्चे आप तक मिल जाएँ, आपको मिल जाएँ, आप तक पहुँच जाएँ, हम सभी की दुआएँ हैं आपके साथ, और दुआएँ रंग लाती हैं, रंग लाई है और आगे भी लाएगी। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और इस गुड न्यूज़ के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, ये शुभ खबर हम लोगों को आज महादेव वाले दिन, सोमवार का दिन है, और आज का दिन शंकर भगवान का दिन है, हर हर महादेव, महादेव जी का दिन है, तो सच की जीत होती है। और आज हम लोगों ने देख भी लिया और मान लिया, तो सच की जीत हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री